हेलो टू माय वंडरफुल पीपल, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, बिकॉज मैं हर एक दिन के गैप में हेयर से रिलेटेड और स्किन से रिलेटेड अमेजिंग सी रेमेडीज़ शेयर करती हूँ, जिसे फॉलो करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है स्किन से रिलेटेड और बालों से रिलेटेड वो पूरी तरह सॉल्व हो सकती हैं। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हेयर ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, या फिर बाल काफ़ी ज़्यादा पतले हो चुके हैं, हेयर ग्रोथ रुक गई है, रूट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, मतलब बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है अगर हम बालों में तेल लगाते हैं तो। ऑब्वियसली सिर्फ बालों में तेल लगाना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट सही तरीके से ऑयलिंग करना, सही तरीके से अगर आप अपने बालों में तेल लगाते हो तो इससे आपके बालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और अगर आप सही तरीके से बालों में तेल लगाओगे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, साथ में आपके जो बाल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज मैं अपने बालों के लिए एक ऑयल रेडी करने वाली थी हेयर स्पा के लिए, सो आई थॉट क्यों ना ये ऑयल आपके साथ भी शेयर किया जाए, ये पूरा वीडियो, ये पूरा प्रोसेस आप सबके साथ भी शेयर किया जाए, बिकॉज इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं, आप भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सको, क्योंकि इसमें हम ऑयलिंग करने वाले हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। इसमें हम ऑयलिंग भी करेंगे जिससे हमारे बालों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होगी, प्लस इसमें हम जिस तरीके से अप्लाई करेंगे, जिस तरीके से एक और इन्ग्रीडियंट मैं बाद में बताऊँगी जो ऐड करेंगे, उससे हमारे बालों में स्पा भी हो जाएगा, और लास्ट में हम एक हेयर मास्क या हेयर क्रीम जो कहना चाहते हो कह सकते हो वो भी मैं शेयर करूँगी, उसे भी हमें अप्लाई करना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपके बालों को इतना वंडरफुल रिज़ल्ट मिलेगा, इसमें ऑयलिंग भी हो जाएगी, आपका स्पा भी हो जाएगा, और प्लस आपने हेयर मास्क लगाया तो बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी भी हो जाएंगे, मतलब बाल की प्रॉब्लम्स तो ठीक होगी ही, साथ ही में आपके जो बाल है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और स्ट्रेट हो जाएंगे और शाइन भी करेंगे। सो बिकॉज इट इज़ अ हेयर स्पा ऑयल, सो ऑब्वियसली यहाँ हम ऑयल लेंगे। जो सबसे फर्स्ट ऑयल है वो है कोकोनट ऑयल, सेकेंड कैस्टर ऑयल, थर्ड आमंड ऑयल, फोर्थ आंवला ऑयल। आंवला ऑयल मैंने घर वाला जो मैंने प्रिपेयर किया था मैंने वही लिया है, अगर आपके पास मार्केट वाला अवेलेबल है तो आप वो ले सकते हो, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हो, मैंने घर पे ही बहुत इजीली बना लिया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। लास्ट इन्ग्रीडियंट है ग्लिसरीन। ये सारे ऑयल इतने ज़्यादा बेनिफिट देते हैं बालों को, इसे यूज़ करने से आपके बालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा ही, इसलिए यहाँ हम इन सारे ऑयल को मिलाकर एक अच्छा सा हेयर स्पा ऑयल रेडी करेंगे। एक स्पून कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें एक स्पून आमंड ऑयल ऐड करना है, वन स्पून आंवले का ऑयल लेना है, हाफ स्पून कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल हाफ स्पून ही लेना बिकॉज़ ये ऑयल थिक होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है वरना हेयर वॉश के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे हाफ स्पून कैस्टर ऑयल लेना है, वन स्पून ग्लिसरीन। अब ये सारे ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है, जब आप इसे मिक्स करोगे तब आपको नज़र आएगा कि ऑयल पूरी तरह मिक्स नहीं हुआ है, थोड़ा सा सेपरेट नज़र आ रहा है, पूरी तरह एक नहीं हुआ है, अच्छे से इन्फ्यूजन नहीं हुआ है इन ऑयल का, इसलिए हम यहाँ पे डबल बॉइलिंग मेथड से ये सारे ऑयल को अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से इन्फ्यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डबल बॉइलिंग मेथड से ऑयल को मिक्स कर लिया है और हल्का सा ऑयल वॉर्म भी हो गया है, जब ये हल्का सा वॉर्म हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब इस ऑयल को हम अप्लाई करेंगे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर इनमें से कोई ऑयल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उस ऑयल को स्किप कर सकते हो, या फिर कोई ऑयल जो आप ऐड करना चाहते हो, जो आपको पसंद है, जो आपके बालों में सूट करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, तो उस ऑयल को आप ऐड भी कर सकते हो, मतलब आप इनमें से कोई एक स्किप भी कर सकते हो या फिर ऐड भी कर सकते हो, सारे ऑयल ऐड करने के बाद अपने पसंद का ऑयल ऐड भी कर सकते हो, अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, बाकी के सारे प्रोसेस वो सेम रखना। सबसे पहले हमने जो ऑयल रेडी किया था उसे रूट में अच्छे से अप्लाई करना है, पूरी तरह रूट में अप्लाई करना है।
रूट में अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, तो लेंथ में अप्लाई करने के लिए यहाँ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड की है, दैट इज़ फ्लेक्सीड जेल। जो बचा हुआ ऑयल है उसमें हम फ्लेक्सीड जेल ऐड करेंगे। फ्लेक्सीड जेल आपके लेंथ में जितना भी केमिकल डिपॉजिट हुआ है, कितना भी डर्ट है, क्यूटिकल्स में जो भी ब्लॉकेज है उसे रिमूव करेगा, और आप जो नेक्स्ट हेयर मास्क अप्लाई करोगे उसे हेल्प करेगा बालों में मॉइस्चर रहने के लिए। सो फ्लेक्सीड जेल को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने पे ये कुछ इस तरह दिखेगा। आप इसे अच्छे से ऊपर बालों में अप्लाई करना है और लेंथ में भी अप्लाई करना है। इसे अप्लाई करने के बाद बालों को अच्छे से ऊपर फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हम हमारे बालों को स्टीम देंगे हॉट टॉवल से। कोई झंझट का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। गर्म पानी में टॉवल को डिप करना है और पानी निकालकर टॉवल से बालों को पूरी तरह कवर कर लेना है और 20 मिनट्स रहने देना है। आफ्टर 20 मिनट्स हम हेयर मास्क अप्लाई करेंगे। ये हेयर मास्क हम फ्लेक्सीड जेल बनाने के बाद जो फ्लेक्सीड बच जाते हैं उससे प्रिपेयर करेंगे। बचे हुए फ्लेक्सीड में हल्का सा पानी डालकर पीस लेना है और एक कपड़े की हेल्प से इसमें से जो भी फ्लेक्सीड का प्रोटीन है, क्रीम है, वो निकाल लेना है।
ये इस तरह वाइट कलर का होगा और इसे पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसे ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज़ किया है। कैस्टर ऑयल एक वॉश के बाद ही हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है, बट कैस्टर ऑयल को अप्लाई करके ज़्यादा नहीं रखते हैं, इसलिए हेयर मास्क लगाने के बाद आप तुरंत इसे वॉश कर सकते हो। ज़्यादा देर रखने की नीड नहीं है, बिकॉज़ अगर आप कैस्टर ऑयल को ज़्यादा देर रखोगे तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर आपको कैस्टर ऑयल के बारे में ज़्यादा जानना है तो मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। इसे आप मंथ में एक बार करो क्योंकि इसका रिज़ल्ट बालों में काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसमें जो हमने ऑयल यूज़ किया है उससे बालों का झड़ना रुक जाएगा, हेयर ग्रोथ होगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें आंवला ऑयल यूज़ किया है। झड़ना बंद होगा क्योंकि कैस्टर ऑयल ऐड किया है। स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी, बालों में काफ़ी ज़्यादा शाइन सॉफ्टनेस होगा क्योंकि ग्लिसरीन ऐड किया था, और बाल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट होंगे क्योंकि हमने इसमें फ्लेक्सी जेल यूज़ किया है। इसे आप मंथ में एक बार अप्लाई करें, या फिर आप किसी फंक्शन में या शादी में जाने वाले हों तो भी आप अपने बालों के लिए इसे ट्राई कर सकते हो। और ये रहा मेरा आफ्टर रिजल्ट।